दोस्तों, यदि आप एक यूट्यूबर हैं, एक ब्लॉगर हैं, तो आपने एडसेंस का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि एडसेंस की वजह से ही हमारा चैनल मोनेटाइज होता है और हमारी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अब आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी 10 बातें बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्लॉगर के लिए, एक यूट्यूबर के लिए, जो भी एडसेंस को यूज करता है, चाहे भले ही उसका चैनल मोनेटाइज हो या फिर मोनेटाइज ना हो, दोनों के लिए 10 पॉइंट में से कुछ ना कुछ पॉइंट्स बहुत काम के हो सकते हैं और इन पॉइंट्स पर ही बहुत सारे सवाल अक्सर आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑनली टैग। दोस्तों, यदि आप भी मेरी तरह यूट्यूब के साथ साथ खबरी क्रिएटर भी हैं तो आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। खबरी पर वापस से गिग आ गए हैं, 35,000 रुपए तक के इनाम आप जीत सकते हैं और इस बार 42 विनर चुने जाएंगे। लास्ट डेट आज रात 12 बजे तक ही है, तो आप अपनी खबरी पर ऑडियो पोस्ट करके एक खबरी क्रिएटर बनके पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि यार पॉडकास्ट क्या होता है, कैसे खबरी क्रिएटर बनते हैं, कैसे अपलोड करते हैं और गिग्स में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखिए और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। एडसेंस के लिए पहला जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट ये है, लोग बहुत पूछते हैं कि भाई एडसेंस आखिर बनाना कब चाहिए। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप एक यूट्यूबर है तो जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए तभी आपको अपना एडसेंस क्रिएट करना चाहिए। और अगर आप एक ब्लॉगर है तो आपको लगे कि यार मैंने 25-30 अच्छे आर्टिकल लिख दिए और अब मेरा ब्लॉग अप्रूव हो सकता है, विजिटर भी आ रहे हैं, आर्टिकल काफ़ी SEO बेसेज है, बहुत ही अच्छे हैं, गूगल सर्च कंसोल में भी मैंने ऐड कर रखा है अपने ब्लॉग को, तब आपको अपना एडसेंस बना लेना चाहिए और अप्रूवल के लिए भेज देना चाहिए। वैसे तो आप एडसेंस कभी भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो दो टाइम मैंने आपको बताए ये बिल्कुल सही होते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट जानकारी, ये दूसरा पॉइंट है, बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं एडसेंस को क्रिएट करते वक्त कि वहां पे हमें इंडिविजुअल भरना है या फिर बिजनेस भरना है, और ये गलती उनको बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, मेरी तरह एक ही बंदे हैं और काम करते हैं, तो आप हमेशा एडसेंस को क्रिएट करते वक्त वहां पे इंडिविजुअल ही भरे, इंडिविजुअल बिजनेस कभी ना भरे। बिजनेस आप जब भरे, जब आपकी कोई फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म है, या आपकी कोई कंपनी है और उसके नाम से आप कुछ करना चाहते हैं, उसके नाम से आप कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या कोई चैनल बनाना चाहते हैं, अदरवाइज आप इंडिविजुअल ही भरे। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आप सिर्फ इंडिविजुअल भरे, क्योंकि अगर आप एक बार बिजनेस भर देते हैं तो बाद में आपको बहुत दिक्कतें आती है। तीसरा जो मेरा पॉइंट है, जो बहुत बार पूछा जाता है कि सर किस ईमेल आईडी से हमें अपना एडसेंस क्रिएट करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। अगर मान लीजिए कोई ईमेल आईडी आपका और उससे आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है या फिर कोई ब्लॉग क्रिएट किया है, तो आप चाहे तो उसी सेम ईमेल आईडी से अपना एडसेंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहे कि मैं दोनों को अलग अलग रखना चाहता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग भी रख सकते हैं। गूगल एडसेंस अलग जीमेल आईडी से बना सकते हैं और यूट्यूब चैनल अलग जीमेल आईडी से बना सकते हैं, ब्लॉग अलग जीमेल आईडी से बना सकते हैं। एक चीज आपको बस यहां पे ध्यान रखनी है कि जो एडसेंस होता है वो एक व्यक्ति एक नाम से सेम एड्रेस पर बस एक ही बार बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकते। अगर मान लीजिए मैं योगेंद्र सैनी और मेरा एक एड्रेस है और मैंने अपना एक एडसेंस क्रिएट कर दिया, अब इस एडसेंस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं दूसरा इसी नाम से मेरे सेम एड्रेस पे क्रिएट नहीं कर सकता हूं, वेरिफिकेशन में मैं फेल हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर एक गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सेम नाम होता है, लेकिन भैया आईडी सबकी अलग होती है, एड्रेस भी अलग होता है, तो यहां पर आईडी वेरिफिकेशन भी किया जाता है। अब यहां पे बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि हम एडसेंस में कौन से बैंक को ऐड करें या किस बैंक में अपना खाता खुलवाएं। तो यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आप चाहे तो प्राइवेट बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और चाहे तो गवर्नमेंट बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको बस एक बात ध्यान रखने की, जिस भी बैंक को आप ऐड करेंगे एडसेंस में, वो बैंक पे पास स्विफ्ट कोड होना चाहिए। अगर वो आपको स्विफ्ट कोड नहीं देता है तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप पहले ही देख लें। वैसे ज़्यादातर बैंक आपको स्विफ्ट कोड देती है, लेकिन बहुत सारी बैंक होती है जहाँ पे स्विफ्ट कोड का कोई फीचर नहीं होता, तो उस बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन ना करवाएं और ना ही उसको एडसेंस में ऐड करें। एक सवाल और पूछा जाता है, तो आज मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि सर हम बैंक कौन सा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, आप मान लीजिए मेरा योगेंद्र सैनी के नाम से एक एडसेंस अकाउंट है, तो मैं चाहूं तो अपनी वाइफ का भी बैंक अकाउंट लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी का भी बैंक अकाउंट वहां पे लगा सकता हूं, लेकिन बार बार चेंज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप बार बार चेंज करते हैं
और बहुत ज़्यादा बार आप चेंज करते हैं तो गूगल को डाउट हो जाता है और वो आपके एडसेंस के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको डिटेल से बताता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं क्या हम बैंक चेंज कर सकते हैं बाद में? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा बार बार इस चीज़ को ना दोहराएं। और अगर मान लीजिए आपकी एज 18 साल से कम है तो आप YouTube चैनल तो बना सकते हैं लेकिन एडसेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में आप जब तक 18 साल के नहीं हो जाते अपने माता पिता या किसी भी घर में बड़े के नाम से एडसेंस क्रिएट करके ऐड करके अपने चैनल से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एडसेंस वेरिफिकेशन की। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि अब एडसेंस दो तरीके से वेरीफाई किया जाता है और आपको दोनों तरीके से करना भी चाहिए। एक बार में वो आईडी वेरिफिकेशन करता है और दूसरी बार में एड्रेस वेरिफिकेशन करता है। आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक्शन पे आप क्लिक करोगे, आपको अपनी आईडी सबमिट करनी पड़ेगी। आईडी में आधार कार्ड आप नहीं लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं। इनसे आप अपनी आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके अलावा उसका जो फोटो है वो क्लियर दिखना चाहिए जब आप स्कैन करेंगे या फिर फोटो लेंगे उसका, और उसके जो कॉर्नर है आईडी के वो कटे हुए नहीं होने चाहिए, यानी साफ सुथरी आईडी आप सबमिट करें। इससे आपका एडसेंस वेरीफाई हो जाएगा और ये सिर्फ आईडी वेरीफाई है। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि हमने 3-4 बार आईडी वेरीफाई किया लेकिन हर बार फेल्ड हो गया, अब हम क्या करें? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेल आप कीजिए यूट्यूब को, वो आपसे मेल पर भी आपकी आईडी लेंगे और आपको वेरीफाई करके देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। दूसरा जो वेरिफिकेशन होता है वो होता है आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन। इसके लिए जो आपने एड्रेस भरा है एडसेंस में वो आप बिल्कुल सही से एड्रेस भरे, जहाँ पे कोरियर आ सकती है, डाक आ सकती है, क्योंकि आपके घर पे एक लिफाफा आता है जिसमें गुप्त कोड होते हैं और इस लिफाफे को जैसे ही आप प्राप्त करें वो गुप्त कोड, उसके अंदर आप जिस लिफाफे को फाड़ेंगे तो उसके अंदर से कुछ आपको गुप्त कोड मिलेंगे, वो आपको भरने हैं एडसेंस में। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बॉक्स में, आपको भरने हैं। अगर आपको कंप्लीट समझना है तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। वो भरने के बाद आपका एड्रेस वेरीफाई कर दिया जाता है, यानी यूट्यूब लिफाफा इसलिए घर पे भेजता है, वो ये देखना चाहता है कि जिस बंदे ने अपना आईडी वेरीफाई कराया है वो इस एड्रेस पे रहता है या नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पे एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि सर एडसेंस का जो पिन वाला लिफाफा है वो घर पे आता कब है? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि $10 कंप्लीट होने के बाद ही एडसेंस आपको एक लिफाफा भेजता है। लेकिन यहां पे एक चीज समझने वाली है कि $10 जब नहीं, जब आपके वाइट स्टूडियो में $10 दिखाया और आपको लगे यार एडसेंस में तो भेजा ही नहीं, नहीं। आपको मैं बता दूं कि एडसेंस हर महीने की 11 तारीख की रात को आपका जो भी पिछले महीने का बैलेंस होता है वो अपडेट करता है, और उस रात को अगर आपका जो पिछले महीने का बैलेंस है, मान लीजिए अभी चल रहा है नवंबर, तो 11 नवंबर को अपडेट करेगा वो अक्टूबर मंथ का, वो अगर $10 से ज़्यादा होम पेज पे अपडेट हो जाता है तभी आपको पिन भेजा जाता है। यानी कुल मिला के जो एडसेंस का होम पेज है उस पर आपके डॉलर जब $10 से अपडेट होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो आपको पिन वहाँ से भेज दिया जाता है और 7 से 10 दिन में आपको पिन मिल जाता है। 3 बार करने पर भी अगर मान लो 3 बार पिन भेजा गया और आपको नहीं मिला किसी भी कारणवश, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेल पर भी इस तरह से वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपको कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भाई बैंक में पैसा ना आए तो क्या करें। सबसे पहली बात, अभी कुछ अपडेट आया है एडसेंस में कि जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं हो जाते हैं आपको एडसेंस में जो बैंक होता है ना उसको ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता, यानी पेमेंट मेथड में आप बैंक को ऐड ही नहीं कर पाते। तो पहले आप इंतजार करें, $100 कंप्लीट होने दें, क्योंकि $100 जब कंप्लीट होते तभी आपकी बैंक में पैसा आता है। और मैंने आपको बताया किसी भी महीने की 11 तारीख की रात को लास्ट मंथ का पेमेंट अपडेट करता है। मान लीजिए आपने अक्टूबर में $70 कमाए, लेकिन अब अगर आप 11 तारीख को देख रहे हो तो आपके टोटल अर्निंग 120 दिखा रहा है, तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने लास्ट में $70 कमाए और $70 अपडेट होंगे, और मिनिमम पेमेंट $100 होता है। ये सब एडसेंस के होम पेज पे दिखना चाहिए। जैसे $100 हो जाए आप अपना पेमेंट मेथड जो है उसमें जाकर बैंक को ऐड कर दीजिए, स्विफ्ट कोड, IFSC कोड सब डाल दीजिए। इसके बाद आपका पेमेंट भेज दिया जाता है वहां से 21 तारीख को, और 5 से 7 दिन में आपका पेमेंट आ जाता है। अगर फिर भी आपका बैंक में पेमेंट नहीं आता है तो आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं। एडसेंस में जाना है, वहां पे देखना है कि कोई KYC में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एक्शन बटन तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो आप उसको पहले रिजोल्व करें, और अगर बैंक की तरफ से आपका पेमेंट डिक्लाइन कर दिया जाता है तो भी एडसेंस में साफ लिखा आता है कि भाई पेमेंट जो है वो बैंक की तरफ से डिक्लाइन हो रहा है। इस कंडीशन में आप बैंक के मैनेजर से जाके बात कर सकते हैं, और अगर वो सोल्यूशन नहीं करते हैं और आपके गूगल एडसेंस में लिखा आता है कि योर पेमेंट डिक्लाइन बाई बैंक, तो आप बैंक भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बैंक आजकल लोगों को बहुत परेशान कर रही है। एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर ये इनवैलिड क्लिक क्या है और इसकी वजह से एडसेंस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप खुद का वीडियो खुद देखते हो तो भाई एडवर्टीजमेंट भी आते हैं और आपसे ऐड पर क्लिक भी हो सकता है, वही इनवैलिड क्लिक है। या फिर आप अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक सोर्स आपके यहाँ पे आता है और बहुत ज़्यादा क्लिक्स होते हैं। कुल मिलाकर आप जो ऐड है जो आपके कॉन्टेंट पर आ रहे हैं अगर उनको गलत तरीके से क्लिक किया गया है, तो देखिए सीधी सी बात है ये कब होता है, जब व्यूज़ कम आते हैं और खुद का वीडियो हम खुद ही देखते हैं तभी इनवैलिड क्लिक की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप खुद का वीडियो देखने से बचें। हालांकि खुद का वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐड पर अगर क्लिक हो जाए या एडवर्टीजमेंट आए तो वो इनवैलिड माना जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि भैया खुद का वीडियो खुद ही ना देखें। वैसे भी हमने दुनिया को दिखाने के लिए वीडियो बनाया तो हम खुद क्यों देखते हैं, और अगर देखें तो भैया यूट्यूब पर क्यों देखें, हमने मोबाइल में तो रखा है वीडियो तो मोबाइल से डायरेक्ट देख लो। तो इससे आप इनवैलिड क्लिक से बच सकते हो। अगर मान लीजिए आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक की वजह से एडसेंस डिसेबल हो जाता है तो इसकी तीन कंडीशन है, या तो वो एक महीने के लिए टेम्परेरी डिसेबल्ड होगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं एडसेंस सस्पेंड, या फिर 6 मंथ के लिए सस्पेंड होगा, और अगर परमानेंटली डिसेबल हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं रह जाता है। अभी तक कुछ ही यूट्यूबर्स होंगे जिनका वापस आया होगा, अदरवाइज इसका कोई तरीका नहीं है। और उस कंडीशन में आप दूसरा एडसेंस भी अपने नाम से नहीं बना सकते हो, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था एक व्यक्ति एक एड्रेस पर एक नाम से एक ही एडसेंस बना सकता है। तो खुद के कंटेंट पर जितनी भी एड वगैरह आती है उनको देखने से आप बचें, यही इसका तरीका है। एक सवाल, लास्ट सवाल है, 10वां पॉइंट, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास एक ब्लॉग भी है एक यूट्यूब चैनल भी है, तो हम एडसेंस दोनों में सेम लगाएं या अलग अलग लगाएं। तो इस कंडीशन में मैं आपको एक सलाह दूंगा, वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मेरी सलाह ये है कि मान लीजिए आपका कोई एक जीमेल आईडी है जिससे आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया और ब्लॉग भी बनाया, तो आप चाहें तो भाई उससे एडसेंस बना सकते हैं, बट मेरी एडवाइस ये है कि आप एडसेंस अपनी अलग जीमेल आईडी से बनाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है चैनल पे या ब्लॉग पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके एडसेंस को खतरा होगा। तो सबसे अच्छी तरीका तो ये है। दूसरा, आप अलग अलग एडसेंस रखें। मान लीजिए ब्लॉग में आपने एक अलग एडसेंस रखा हुआ है अपने घर में किसी के नाम से, और यूट्यूब चैनल पर अपने खुद के नाम से एक एडसेंस रखा हुआ है, इससे काफ़ी फायदे हैं। मान लीजिए आपको एक प्लेटफॉर्म पर कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आती है तो दूसरे प्लेटफॉर्म से आपकी अर्निंग चलती रहेगी। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि मेरा एक एडसेंस है खुद का, मैंने ब्लॉग पे भी लगा रखा है यूट्यूब पे भी लगा रखा है, यूट्यूब पर इनवैलिड क्लिक की वजह से मेरा एडसेंस डिसेबल हो गया तो मेरे ब्लॉग की भी अर्निंग रुक जाएगी। तो अलग अलग रखेंगे तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, अदरवाइज आप कर कुछ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यही थे आज के कुछ 10 पॉइंट जो आप बहुत बार बार पूछते हो एडसेंस यूट्यूब मोनेटाइज को लेकर। अगर कोई आपके दिमाग में और भी सवाल है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं अगली वीडियो में क्लियर करने का ट्राई करूंगा। ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोज में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।